नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर। आज का वीडियो उन सभी ट्रेन मैनेजर्स के लिए है जो अभी एलआर में है, जो ट्रेनिंग स्कूल में है और जो हाल फिलहाल में अभी इंडिपेंडेंट चार्ज लेना चाहते हैं। और जो स्टूडेंट है फिलहाल मेरा यह वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए यह वीडियो ऊपर से चले जाएगा। बस रुलाएगा क्या, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल वीडियो है, बीपीसी के ऊपर मैं बना रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने बना चुका है सीसी रेक पर, सेकंड पार्ट है आज का प्रीमियम रेक पर। उन सभी ट्रेन मैनेजर्स को जिनको दिक्कत आती है बीपीसी समझने में, तो आपको क्लियर होते जाएगा कि जब भी अपन चार्ज लेंगे तो बीपीसी के बारे में क्या देखना है, कैसे समझना है उसको, सारी बातों को मैं कवर करूंगा। अरे टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको मैं ले चलता हूँ बीपीसी के पास और उसकी बड़ी बड़ी बातें बताता हूँ। नए ट्रेन मैनेजर्स, जब भी आपको प्रोग्राम मिलेगा किसी मालगाड़ी का, आप उस मालगाड़ी के पास जाएंगे, चार्ज लेंगे, तो ट्रेन मैनेजर जो रिलीफ होने वाले होंगे वो आपको उस गाड़ी का पेपर सब दे देंगे। और उन सब पेपर्स को आपको समझना है कि सारे पेपर्स है कि नहीं, एक्चुअल में कोई पेपर उनके पास रह तो नहीं गया, तो आपको उनसे मांगना है कि भैया ये पेपर मिसिंग है। ये चीज ध्यान रखिएगा, उस गाड़ी के सारे पेपर्स को आपको चेक करना है कि जो जो पेपर्स की जरूरत पड़ती है वो सारे है कि नहीं। पहले तो उनसे पूछ लेना है कि भाई चार्ज लेने के बाद बीपीसी वैलिड है या इनवैलिड है। वो अगर बता देते हैं तो ठीक है, पेपर जल्दबाजी में वो रहते हैं रिलीफ होने के बाद, तो वो आपको केवल पेपर्स देते हैं और चले जाते हैं। तब आपकी बारी आती है उस समय समझने की भाई बीपीसी वैलिड है कि इनवैलिड। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार आप देखेंगे कि प्रीमियम बीपीसी वैलिड है या इनवैलिड। प्रीमियम बीपीसी, पहली बात है लाइट ग्रीन कलर का प्रीमियम बीपीसी मिलेगा। प्रीमियम बीपीसी 12 दिनों के लिए जारी किया जाता है, इश्यू डेट से 12 दिनों तक वैलिड रहता है, प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड रहता है। दोस्तों मैंने बता दिया प्रीमियम बीपीसी 12 दिनों तक वैलिड रहता है। अब ये ग्रेस पीरियड क्या होता है, 12 + 3 डेज। जब भी आप प्रीमियम बीपीसी पर देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि 12 दिनों तक वैलिड है प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलता है। ये अतिरिक्त समय जो मिलता है वो किस कंडीशन में लागू होता है, तो कंडीशन ये होती है दोस्तों कि अगर 12वें दिन गाड़ी खाली है, खाली अवस्था में गाड़ी है और वो 12वें दिन लोड हो जाती है, तो 3 दिन का अतिरिक्त समय मिल जाता है, गाड़ी की वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाती है 3 दिनों के लिए, इसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। तो बीपीसी टोटल 15 दिनों तक वैलिड हो जाता है प्रीमियम बीपीसी। अब मैं बीपीसी आपको दिखाता हूँ कि बीपीसी में कौन सी चीज कहाँ होती है कि अपन को देखना है, उसकी इश्यू डेट कहाँ होती है, कब तक वैलिड होता है, ये सब कहाँ कहाँ लिखे होते हैं, ब्रेक पावर परसेंटेज कहाँ लिखा होता है और उसमें किन किन बातों को देखना है ट्रेन मैनेजर को, सब बातों को मैं आपको दिखाता हूँ। पुराना बीपीसी है, बीपीसी में सील मुहर हमेशा लगी होती है, कोई भी अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है तो वो सील के माध्यम से दी जाती है। देखो यहाँ पर सील लगा हुआ है, देखे फंक्शनल डोर्स चेक्ड एंड फाउंड वर्किंग। पीठ के संबंध में भी कोई सील लगा है तो उसे भी ध्यान देना है कि बीपीसी में कितने किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब गति प्रतिबंध लगाया होगा, तो उसी को फॉलो करना है बीपीसी में जो दिया है। कोई स्टेशन मास्टर आपसे पूछता है कि भैया रेक नंबर बता दीजिए, फ्रंट पेज पर भी लिखा होगा और मैं पीछे वाले पेज पर भी दिखा दूंगा कि कहां पर रेक नंबर लिखा रहता है। तो ये इसका रेक नंबर है PM44286, ठीक है। ये बीपीसी नंबर 11 डिजिट का बीपीसी नंबर होता है, चाहे सीसी प्रीमियम हो। और देखो बड़े बड़े अक्षरों में ही लिखा हुआ है यह प्रमाण पत्र 12 दिनों के लिए वैध है, ठीक है। और इसमें क्लियर लिखा हुआ है 12वें दिनों के बाद ताजा ढुलाई की अनुमति नहीं है, 3 दिन की रियायत अवधि की अनुमति है 12वें दिन तक लदी हुई रेक के लिए। अगर 11वें 12वें दिन भी रेक लोड हो जाता है तो वो 3 दिनों तक के लिए एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाती है, वो उसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड में चलेगा। इन पेज पर भी ध्यान देना है कि कोई वैगन कटे और जोड़े जाते हैं ना, तो उसका भी मेंशन यहाँ कहीं कर दिया जाता है, को बोलते हैं इंडोर्समेंट। जिस स्टेशन पे मालगाड़ी खाली होती है या लोड होती है वहाँ के स्टेशन मास्टर द्वारा सील मुहर के साथ ये लिख दिया जाता है कि इस साइडिंग में इस तारीख को लोड हुई है या अनलोड हुई है। अब यहाँ से गाड़ी का नाम भी पता चल जाता है कि NMGMT, इस गाड़ी का नाम होगा NMGMT। तो अगर आपको गाड़ी का नाम नहीं पता चल रहा है कि मेरी गाड़ी कौन सी है, किस नाम से चल रही है, तो लेटेस्ट डेट का आप इंडोर्समेंट भी देख सकते हैं। अब दोस्तों मेन चीज आता है यहाँ पर, ये बीपीसी का फ्रंट पेज है। अगर आपको ये समझ मुश्किल होता है कि मेरी बीपीसी क्या है, तो उसे उसके टॉप हेडिंग में देख लीजिएगा ब्रेक पावर सर्टिफिकेट फॉर प्रीमियम रेक, तो इससे समझ में आ जाएगा कि आपकी बीपीसी प्रीमियम है। अगर आपको बीपीसी नंबर सामने नहीं मिला तो बीपीसी नंबर 100% यहाँ मिलेगा, आपको दिखा है, देखिए बीपीसी नंबर लिखा हुआ है और ये 11 डिजिट बीपीसी नंबर है। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई कहां से जारी हुआ है, तो ये इसका TXR पॉइंट होता है, इशू पॉइंट यही होता है, इसी को TXR पॉइंट भी बोलते हैं। तो कोई भी आपसे पूछेगा TXR पॉइंट क्या है, इशू कहां से हुआ है, जारी कहां से किया गया है, तो न्यू कटनी जंक्शन जबलपुर WCR, ऐसे ही आपके पास जो बीपीसी आएगा उसमें हो सकता है कि दूसरे TXR पॉइंट से लिखा हो, इसलिए उसमें नाम देख लीजिएगा। अब इसमें लिखा है यह ब्रेक पावर प्रमाण पत्र 12 दिनों के लिए मान्य है 29 जनवरी 2022 तक, ठीक है। ये जारी डेट कब हुआ, देखो ये आपका इश्यू डेट यहाँ पर लिखा रहता है 18 जनवरी 2022, हमेशा यहाँ पर इश्यू डेट लिखा होगा और बीपीसी वैलिड अप टू 29 जनवरी, तो 18 से जोड़ सकते हैं, 18 से 29 12 दिन होता है, 29 जनवरी से पहले कभी भी लोड हो जाता है, मान लीजिए 27, 28, 29 तक, तो 3 दिनों की अतिरिक्त अवधि और मिल जाती है, तो 29 के बाद 30 जनवरी 31 जनवरी और 1 फरवरी, तो ये एक्सटेंड हो जाता है 3 दिनों के लिए। और अगर सामने रेक नेम नहीं लिखा है तो ये रेक नेम यहाँ पर मिल जाएगा लिखा हुआ PM44286, ये रेक नेम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग अपने TN में भी यहीं से रेक नेम निकाल के लिखेंगे, रेक ID मत लिखिएगा, रेक नेम लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो ट्रेन नेम लिखा होता है ना, वो ट्रेन नेम हमेशा बदल जाता है, यहाँ के ट्रेन नेम को
कभी भी ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों। वैगन वे बिल में जो आपका ट्रेन का नाम है वो नाम या इंडोर्समेंट में जो नाम है वो नाम, फिर भी नाम में कंफ्यूजन होता है तो स्टेशन मास्टर से पूछ सकते हैं कि भैया कौन सी गाड़ी है, गाड़ी का क्या नाम है। और यहाँ पर जो इंजन नंबर दिया है ये भी इंजन नंबर चेंज होते रहता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर भी इंजन नंबर ध्यान मत दीजिएगा। आपको अपने पुराने टीएन में भी मिल जाएगा कि इंजन क्या लगा हुआ है, या आपके इंजन में कंफ्यूजन है तो अपने लोको पायलट से पूछ सकते हैं भैया इंजन नंबर एक बार रिपीट कर दीजिए, ठीक है। और उसके नीचे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर ब्रेक पावर परसेंटेज, ये इंपॉर्टेंट है। आपका ब्रेक पावर परसेंटेज कितना है, देखिए 95 लिखा ना, तो प्रीमियम रेक का ब्रेक पावर परसेंटेज प्रारंभ में 95 होता है और मार्ग में 75 से कम नहीं होना चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे CNW वाला चैप्टर, तो उसमें बीपीसी बताया होगा कि प्रीमियम बीपीसी का ब्रेक पावर परसेंटेज 95 से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। फिर उसके नीचे अगला कॉलम मिलता है आपको इंजन में और ये ब्रेक वैन में, यहाँ इंजन लिखा यहाँ ब्रेक वैन लिखा। देखो इन लोकोमोटिव बीपी परसेंट कितना होना चाहिए, इंजन में 5 kg होता है और ब्रेक में बीपी 4.7 से 4.6 हो सकता है, और एफपी ये ट्विन पाइप बीपीसी था तो इसलिए इंजन में एफपी प्रेशर 6 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है और ब्रेक वैन में 5.7 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, जब आपको बीपीसी मिल जाता है आप लोग सब चेक कर लेते हैं कि भाई बीपीसी वैलिड है, ठीक है, ओके है, तो आपको बीपीसी लेके नीचे उतर जाना है। आपके ब्रेक वैन से 3 से 4 गाड़ी के डब्बे के जो नंबर्स हैं उनको इनमें से मिला लेना कि इनमें से मैच हो रहे हैं या नहीं। आप जो गाड़ी का 4 लिए हैं भाई उस गाड़ी का बीपीसी आपको सही में मिला है या नहीं। हो सकता है कि एक बड़ा यार्ड हो, 10-12 गाड़ी हो, तो एक आध बीपीसी आपको गलती से दे दी गई हो आपकी, जो आपकी गाड़ी की नहीं हो। अगर आप लोग बिना चेक किए उस बीपीसी को ले लेंगे और बिना मिलाए अपनी गाड़ी से आप लोग लेके चले जाएंगे तो फिर एक्शन में बहुत परेशानी हो जाएगी आपको। इसलिए दोस्तों जब आप चार्ज लेते हैं ना तो वहां पर बीपीसी से वैगन को मिला लेना है कि वैगन मैच कर रहे हैं या नहीं बीपीसी से, और वैगन वे बिल से मिला लेना है कि भाई वैगन वे बिल बीपीसी से मिल रहा है या नहीं। आप लोग बहुत समय मिलेगा आपको मिलाने के लिए, तो फटाफट एक या दो वैगन को ले लिए, टिक कर लिए कि भैया हाँ ये वैगन नंबर मेरे वैगन से मैच कर रहा है जो वैगन मैं लेके जा रहा हूँ। ये लोको पायलट का साइन होता है, यहाँ गार्ड का साइन होता है और यहाँ SSC CNW का साइन होता है। यहाँ पर प्रीमियम बीपीसी के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इस बीपीसी से 5 गाड़ी अगर काट दी जाती है तो यह बीपीसी इनवैलिड हो जाता है, चाहे फ्रेश बीपीसी क्यों ना जारी किया गया हो तो यह बीपीसी इनवैलिड हो जाता है। आपको ध्यान रखना है अगर कई बार मार्शलिंग होता है ना और वो 5 वैगन डिटैच हो रहे हैं तो ये बीपीसी इनवैलिड हो जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर देना स्टेशन मास्टर को। और अगर आपकी मालगाड़ी 24 घंटे से अधिक खड़ी रहती है किसी एग्जामिनेशन यार्ड में तो भी यह प्रीमियम बीपीसी इनवैलिड हो जाता है। देखो यहाँ पर पूरे इंडोर्समेंट है, जहाँ गाड़ी अनलोड या लोड हुई हो वहाँ के स्टेशन मास्टर द्वारा सील लगा के एंड करके इंडोर्समेंट किया जाता है। तो दोस्तों मैंने समझा दिया कि प्रीमियम बीपीसी का जब भी आप चार्ज लेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप लोग फिर से समझ लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देखकर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर ट्रेन मैनेजर की वर्किंग से संबंधित आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर जितने भी ट्रेन मैनेजर मेरा यह वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे अपना डिवीजन अपना लॉबी लिखकर कमेंट करें नीचे प्लीज, मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो कितने ट्रेन मैनेजर देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।